Good morning, dear students. We are going to start our poem. This is a poem of Frog in a Whale written by Alice Salter. लिखा है फॉर क्लास थर्ड के लिए. ओके, दिस इज योर पोयम ऑफ फ्रॉग इन अ वेल. फ्रॉग इन अ वेल एक फ्रेज भी है कि कुएं का मेढक होना. इट मीन्स कि आपकी सोच काफी संकीर्ण होना और छोटा सोचना, तो उस तरह का नहीं है. इसमें बताया गया है कि फ्रॉग जो है, इसमें पोएट कौन हुआ, इसमें इमेजिनेशन कौन किया, फ्रॉग ने किया. तो इसमें पोएट कौन हुआ, फ्रॉग ही. फ्रॉग की दुनिया, फ्रॉग ने जो अपनी दुनिया बनाई है जिसमें वो रह रहा है, उसका इमेजिनेशन, इमेजिनरी वर्ल्ड को उसने दिखाने की कोशिश की है, उसने बताने की कोशिश की. कौन बताया है फ्रॉग की दुनिया को, किसने बताया, पोएट ने बताया है. बट इसमें फ्रॉग की फीलिंग्स को बताया कि क्या वो सोचता है, क्या वो इमेजिन करता है और वो किस तरह से दुनिया को देखता है. तो लेट्स स्टार्ट आवर पोयम. ओके, द वर्ल्ड इज राउंड एंड डीप एंड कूल, द बॉटम ऑफ द वॉल्स अ पूल विद जस्ट इनफ रूम फॉर अ फ्रॉग अलोन. फ्रॉग कहाँ रह रहा, कुएं में रह रहा, ये तो हम लोगों को पता ही है. और वो क्या, वो अकेला है उसमें. और उसने क्या इमेजिनेशन करा है कि उसकी जो दुनिया है वो गोल है, कूल है, डीप है और राउंड है, और वो बॉटम में रह रहा है, ठीक ना, और वो अकेला है. तो उसने क्या बताया कि मेरी दुनिया काफ़ी अच्छी है. उसकी, हर किसी की दुनिया अच्छी होती है. हम लोग जो ह्यूमन बींग हैं तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने इमेजिनेशन से देखते हैं दुनिया को कि हमारी दुनिया ऐसी है. तो वो भी सारे जो पशु पक्षी हैं उनका भी इमेजिनेशन होता है, वो भी अपनी दुनिया में अपने लोगों के बीच ही खुश रहते हैं, या फिर हर कोई खुश रहना चाहता है. हम लोग ह्यूमन बींग हैं, ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन बींग्स के पास ही रहेंगे. फ्रॉग है तो वो उसी के सर्कल में रहना चाहेगा, कोई एलिफेंट है तो वो उसी के सर्कल में रहता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं. लेकिन उसकी भी फीलिंग्स होती है, जो कि एज अ ह्यूमन बींग को ह्यूमन बींग की फीलिंग्स समझनी चाहिए, और जो एनिमल्स हैं उसको एनिमल्स की भी फीलिंग्स को ह्यूमन को समझना चाहिए. तो इसमें पोएट ने हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि फ्रॉग क्या सोचता है. तो उसने तो पहले अपनी दुनिया को सोचा कि उसकी दुनिया राउंड है, कूल है और काफ़ी अच्छी है और वो अकेला है. Then the next stanza, the wall of the world are of stone on a stone. At the top of the world, when I look up high, I can see a star in a little round sky. और उसने क्या देखा, बॉटम से क्या देखा, स्काई को देखा. स्काई में उसने क्या देखा, स्काई में स्टार देखा. और स्काई को वो बड़ा नहीं बता रहा, फ्रॉग जो है यहाँ स्काई को बड़ा नहीं बता रहा. उसने इमेजिनेशन क्या करा है कि उस स्काई जो है वो काफ़ी छोटा है और उसमें ट्विंकलिंग स्टार्स बहुत सारे हैं, तो वो काफ़ी अट्रैक्ट तो है स्काई से. स्काई को जब इमेजिन कर रहा था वो बता रहा है उसमें ट्विंकलिंग, लेकिन वो अपनी दुनिया को बड़ा बता रहा. ऑब्वियसली जो जहाँ रहता है उसकी दुनिया वही खूबसूरत होती है. तो इसमें फ्रॉग की भी दुनिया, जो कुआं है, वो जो वेल है, वो उसको बता रहा है और उसके ब्यूटीनेस को, उसके बाद फिर स्काई को भी बता रहा है वो, कि उस वहाँ से जो दिखता है उसका, उसकी दुनिया के ऊपर जो एक दुनिया दिखती है, जो स्काई दिख रहा है वो क्या है, वो काफ़ी छोटा है और उसमें ट्विंकलिंग स्टार्स हैं और जो कि काफ़ी ऊपर दिख रहा है. तो यही आपका पोयम है जिसे लिखा है एलिस सैल्टर ने, और फ्रॉग इन अ वेल, यही आपका पोयम है और आपका न्यू वर्ड्स है. चलिए आज हम थोड़ा न्यू वर्ड्स भी हम लोग कर ले. वर्ड्स मतलब वर्ल्ड इज वर्ल्ड का, विद जस्ट इनफ रूम फॉर अ फ्रॉग अलॉन्ग विद अ स्पेस फॉर अ ओनली वन फ्रॉग. इट मीन्स हम लोगों ने पढ़ा है, जैसा कि इस लाइन में पढ़ा हम लोगों ने, वेन with just enough room for a frog along. तो इसमें क्या कि वो सिर्फ दुनिया फ्रॉगों की दुनिया है, उसकी जो दुनिया है उसमें दूसरे को अलाउड नहीं है, वो सिर्फ फ्रॉग की दुनिया है और उसमें वही लोग रहते हैं जो उसके जनरेशन से आते हैं. इसमें उसने बताने की कोशिश की है. उसका वॉल क्या बताया, स्टोन टू स्टोन ऑन स्टोन बताया, विद स्टोन्स प्लेस्ड ऑन वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब एक एक ईट, ईटा का जो बना होता है उसका वॉल या स्टोन का ही बना होता है, तो वो जैसे कि दीवार जो घर का होता है, लाइक दैट
वॉल, उसका भी कुएं का भी एक दूसरे से क्या होता है, ज्वाइंट होता है और काफ़ी उसमें बता रहा है काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। तो ये उसका वॉल है, उसके घर का स्ट्रक्चर है। तो इसमें स्ट्रक्चर भी बताया कैसे रह रहा है, और सिर्फ उसकी जनरेशन को अलाउड है, हम लोगों को अलाउड नहीं कुएं के अंदर रहना। ये भी फ्रॉग बता रहा है कि हम लोगों को उसमें अलाउड नहीं है रहना। सो सिर्फ इसमें किसको अलाउड है रहना, फ्रॉग्स को अलाउड है। ये इसमें पोएट के माध्यम से फ्रॉग के इमेजिनेशन को बताया जा रहा है। ओके, दिस इज आवर पोयम, वी हैव डन आवर पोयम। द नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।